गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर के अंदर लेक्चर सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड का पार्ट सेकेंड, सेकेंड लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था आईसी इंजन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन का क्या है, ठीक है। तो आज हम लोगों को फर्स्ट स्ट्रोक और सॉरी फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन पढ़ना है, ठीक है। तो आईसी इंजन जो फोर स्ट्रोक इंजन है और टू स्ट्रोक इंजन है, वो भी आईसी इंजन का ही एक प्रकार का इंजन है, ठीक है। तो आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला है आईसी इंजन किसके आधार पे, फ्यूल यूज्ड, मतलब ईंधन, जो आईसी इंजन में ईंधन यूज होता है उसके आधार पे आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। फर्स्ट वन क्या है, डीजल इंजन। डीजल इंजन में हमारा क्या यूज होता है, ईंधन के ईंधन के लिए डीजल, ठीक है। और सेकेंड वन है पेट्रोल इंजन, इसमें ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोल, ठीक है। और थर्ड वन है जो है गैस इंजन, ठीक है, इसमें प्रोपेन या तो मीथेन गैस ईंधन के रूप में यूज करते हैं, प्रोपेन या तो मीथेन गैसे जो है कि यूज करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो है आईसी इंजन बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, जो इंजन में फ्यूल हमारा जलता है उसके आधार पे आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, और कार्बोरेटर टाइप इंजन्स, ठीक है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या लगा रहता है, एक स्पार्क लगा रहता है जो फ्यूल को बर्न करता है। अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर, ठीक है, एयर फ्यूल का मिक्सचर सबसे पहले इंजन सिलेंडर में जाता है। इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग स्पार्क प्लग, ठीक है। इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना किससे होता है, स्पार्क प्लग से। फ्यूल जलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें स्पार्क प्लग। द स्पार्क प्लग प्रोड्यूस अ स्पार्क एंड इग्निशन इग्नेट्स द एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है। स्पार्क प्लग क्या करता है, एक स्पार्क करता है, ठीक है, एक चिंगारी छोड़ता है और एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाता है, ठीक है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है जिसके माध्यम से हम एयर फ्यूल का मिक्सचर जो रहता है उसे बर्न करते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है, या तो इंजेक्टर टाइप इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब कि जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करके, ठीक है, उस टाइम इंजेक्टर टाइप मीन्स उस टाइम जब एयर और फ्यूल जो हमारा है, एयर जो है एकदम कंप्रेस हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 700 से लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है उस टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर, तो उस टाइम पे जो है कि हम फ्यूल जो है पिस्टन के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या है, उसी से जो है कि हमारा फ्यूल बर्न होता है। तो क्या है, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर, ठीक है। इन कंप्रेशन इंजन एयर को कंप्रेस किया जाता है कहाँ, इंजन सिलेंडर में, ठीक है। ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर राइजेस 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके कारण से जब एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है तो उसके कारण से 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड हवा का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है। एट दिस स्टेज डीजल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर इन फाइन पार्टिकल्स, इस अवस्था में जब हवा का जो टेम्परेचर है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस अवस्था में डीजल को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में, मतलब छोटे छोटे कणों में सिलेंडर में स्प्रे करते हैं, ठीक है, छिड़कते हैं। ड्यू टू अ वेरी हाई टेम्परेचर द फ्यूल गेट्स इग्निटेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण फ्यूल क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। अब है आईसी इंजन बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, ठीक है, आईसी इंजन बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल के आधार पे आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं,
पहला फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन डीजल या पेट्रोल इंजन, और सेकेंड वन होता है टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है? इन फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द पावर द फोर इवेंट्स नेमली सक्शन, ठीक है, ये जो चार इवेंट होते हैं सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट टेक प्लेस इन साइड द इंजन सिलेंडर। मतलब ये चार इवेंट्स सिलेंडर के अंदर होते हैं, ठीक है। द फोर इवेंट्स आर कंप्लीटेड इन फोर स्ट्रोक्स, ठीक है, ये चारों इवेंट्स जो हैं वो चार स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं। ऑफ द पिस्टन, पिस्टन मतलब चार बार ऊपर नीचे आएगा जाएगा, ठीक है, तब ये चारों इवेंट कंप्लीट होंगे। एंड इन टू रेवलेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, जब पिस्टन चार बार ऊपर नीचे आएगा, ठीक है, एक बार गया, एक बार आया, फिर गया और फिर आया, तो उस ड्यूरेशन में जो है हमारा क्रैंकशाफ्ट बस दो बार रोटेट करेगा, ठीक है। दिस इंजन हैज गॉट वाल्व फॉर कंट्रोलिंग, इस इंजन में क्या लगा रहता है? वाल्व। किस लिए? कंट्रोलिंग द इनलेट ऑफ चार्जेस एंड आउटलेट्स ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। इनलेट ऑफ चार्जेस, चार्ज मतलब क्या है? एयर फ्यूल का मिक्सचर, ठीक है, और एग्जॉस्ट गैसेस, आउटलेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस और गैसों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इसमें वाल्व लगे रहते हैं किस लिए? फ्यूल की एंट्री के लिए और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इज कंट्रोल्ड बाई कैम्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, जो ये वाल्व लगे रहते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? कैम्स से, जो कि कहाँ फिट रहता है? फिटेड ऑन कैमशाफ्ट, जो कि कैम हमारा कहाँ फिटेड रहता है? कैमशाफ्ट पे। द कैमशाफ्ट इज ड्राइवन बाई क्रैंकशाफ्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल गियर्स आर चैन, ठीक है, जो हमारा कैमशाफ्ट होता है किसके द्वारा चला जाता है? क्रैंकशाफ्ट से, जो कैमशाफ्ट रहता है क्रैंकशाफ्ट से कैसे जुड़ा रहता है? विद द सुटेबल गियर्स या चैन, मतलब सुटेबल गियर या चैन के द्वारा जो हमारा कैमशाफ्ट है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। द कैमशाफ्ट रन्स एट हाफ, ठीक है, कैमशाफ्ट रन्स एट हाफ, ठीक है, द स्पीड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है वो दो बार घुमा, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है ना, क्रैंकशाफ्ट अगर दो बार रोटेट हुआ तो हमारा जो कैमशाफ्ट है वो कितना घूमेगा? एक बार, ठीक है। जो ये इवेंट है आईसी इंजन में ये चार प्रकार के होते हैं, पहला होता है वो चार होते हैं, पहला है सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक दूसरा है, और तीसरा है पावर स्ट्रोक, और चौथा है एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या है? पिस्टन क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है, मतलब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, और तीसरा है हमारा पावर स्ट्रोक, ठीक है, इस कंडीशन क्या है? पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जिसमें गैसेस बाहर निकलती हैं उस कंडीशन में क्या है? हमारा पिस्टन सिलेंडर में ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये चार इवेंट हैं जो इंजन सिलेंडर में होती हैं आईसी इंजन के। तो सबसे पहला है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन, इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, ठीक है। इनलेट वाल्व कौन से? ये जो हमारे ये वाल्व लगे हैं, ठीक है, ये इनलेट वाल्व हो गया और ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ठीक है। तो इनलेट वाल्व ओपन्स एंड पिस्टन मूव डाउनवर्ड, ठीक है, पिस्टन कहाँ मूव हो रहा है? देखिए पहले स्ट्रोक में पिस्टन डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ओनली एयर आर अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आर ड्रॉन इनसाइड द सिलेंडर, केवल हवा या तो हवा और ईंधन, मतलब हवा और जो फ्यूल है हमारा उसका मिश्रण सिलेंडर में आता है। द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेंस क्लोज्ड, ठीक है, इस स्ट्रोक के दौरान जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो पूरा बंद रहेगा, ठीक है, बंद अवस्था में रहेगा,
और दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव अपवर्ड। इस स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, कहाँ, सिलेंडर में, ठीक है। बोथ वाल्व्स आर इन क्लोज पोजिशन, ठीक है, हमारा फ्यूल जो है कि सिलेंडर में आ गया, ठीक है, तो दोनों वाल्व बंद हैं, ठीक है, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। द चार्जेस टेकन इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर या एयर है उसमें, ठीक है, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब ये देखिए, जब ये हमारा पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर है ये हमारा, तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। इफ ओनली एयर इज कंप्रेस्ड, यदि केवल हवा कंप्रेस्ड हो रहा है, इन केस ऑफ डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन में जब केवल हवा कंप्रेस होता है, डीजल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, और उस केस में क्या है, हवा कंप्रेस्ड हो रहा है, उस केस में क्या है कि डीजल को इस स्ट्रोक के अंतिम अवस्था में स्प्रे किया जाता है सिलेंडर में, ठीक है, एंड इग्निशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। जो ईंधन जलता है वो किस कारण से, उस अवस्था में प्रेशर टेम्परेचर हवा का इतना ज़्यादा रहता है कि ईंधन जो हमारा जो फ्यूल उसमें जाता है, स्प्रे किया जाता है, वो जलने लगता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर, यदि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस्ड हो रहा है सिलेंडर में, एज इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, ठीक है, एज इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन द मिक्सचर इज इग्निटेड बाई स्पार्क प्लग, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल इंजन में हमारा एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है, उसकी मदद से जो है कि हमारा ईंधन जलता है। थर्ड वन है पावर स्ट्रोक, जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो थर्ड स्ट्रोक है उसे क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। तो अभी तक हमारा क्या था, सेकेंड स्ट्रोक तक कि ईंधन जो उसमें आया, एयर फ्यूल का मिक्सचर या तो जो भी था सिलेंडर में हमारा, वो बर्न हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है, फ्यूल जलने के बाद ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, मतलब बहुत सारा हीट जो है सिलेंडर में जनरेट हो रहा है, ठीक है, कॉजिंग वेरी हाई प्रेशर इन द सिलेंडर विच पुशेज द पिस्टन डाउनवर्ड, मतलब पिस्टन का मूवमेंट इसमें कैसा होगा, नीचे की तरफ, जब उसमें बहुत ज़्यादा सारा हीट जनरेट होगा तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा सिलेंडर के अंदर कि पिस्टन को नीचे की तरफ वो पुश करेगा, वो वाला प्रेशर, ठीक है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन एट दिस इंस्टेंट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, ठीक है, इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। द कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द, क्या है, द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है वो क्या करता है, पावर ट्रांसफर करता है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से, पिस्टन का पावर किसको ट्रांसफर करता है, क्रैंक शाफ्ट को, और पिस्टन हमारा अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन कहाँ हो रहा है, सिलेंडर में अप एंड डाउन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, अप एंड डाउन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब ये पिस्टन का पावर कनेक्टिंग रॉड की मदद से क्रैंक शाफ्ट पे आता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पे, तो हमारा क्रैंक शाफ्ट किस मोशन वर्क करता है, सर्कुलरी मोशन में, मतलब सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फॉर्म में वो रोटेट होता है, ठीक है ना, एंड क्रैंक शाफ्ट रोटेट, जिससे क्रैंक शाफ्ट हमारा घूमता है, ठीक है। मैकेनिकल वर्क कैन बी डन एट द रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट, कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है हमारा, कोई भी मैकेनिकल कार्य है उसे हम क्रैंक शाफ्ट जो हमारा रोटेट हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उससे उसकी मदद से हम मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं। बोथ वाल्व रिमेंस क्लोज ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, और दोनों जो वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जस्ट वाल्व रहते हैं, वो बिल्कुल बंद अवस्था में रहेंगे इस स्ट्रोक में। लास्ट वन है एग्जस्ट स्ट्रोक, इसमें क्या है, पिस्टन हमारा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है,
ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक पिस्टन मूव अपवर्ड, ठीक है ना, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, एग्जस्ट वाल्व ओपन, एग्जस्ट वाल्व खुला होगा उस समय, एंड एग्जस्ट गैसेस गो आउट थ्रो एग्जस्ट वाल्व, और जो हमारा फ्यूल बर्न होने के बाद जो उसमें गैसेस बची हुई हैं वो क्या होगा, एग्जस्ट वाल्व की इस एग्जस्ट वाल्व में, एग्जस्ट वाल्व के द्वारा वो बाहर निकल जाती है, एग्जस्ट वाल्व से वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, एग्जस्ट वाल्व से, ठीक है। ऑल बर्न गैसेस गो आउट ऑफ द इंजन एंड सिलेंडर बिकम्स रेडी टू रिसीव द फ्रेश चार्ज, सारी जली हुई गैसेस, ठीक है, वो बाहर निकल जाती है एग्जस्ट वाल्व के द्वारा, ठीक है, और हमारा जो सिलेंडर है वो बिल्कुल फ्रेश और रेडी हो जाता है, किस लिए, फ्रेश चार्ज लेने के लिए, ठीक है, मतलब कि अब वह पुनः कहाँ से स्टार्ट होगा, पावर स्ट्रोक से, मतलब जब ये एग्जस्ट स्ट्रोक खत्म हुआ तो फिर से पावर स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, मतलब एग्जस्ट स्ट्रोक जब हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है ना, तो ये पुनः साइकिल रिपीट होगी, पहले सक्शन स्ट्रोक होगा, ठीक है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, तीसरा पावर स्ट्रोक होगा, और चौथा जो है हमारा एग्जस्ट स्ट्रोक फिर से, और फिर से ऐसे ही ये जो हमारा आईसी इंजन फोर स्ट्रोक आईसी इंजन है ये वर्क करता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व रिमेंस क्लोज, और इस स्ट्रोक में ये नहीं है कि इनलेट वाल्व खुला रहेगा, वो भी बिल्कुल क्लोज अवस्था में रहेगा, जब ये वापस से अपवर्ड चला जाएगा, जब नीचे की ओर आने लगेगा तो कौन सा स्ट्रोक स्टार्ट होगा, सक्शन स्ट्रोक, उस समय हमारा इनलेट वाल्व, जो ये इनलेट वाल्व है वो खुला रहेगा, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा वर्किंग साइकिल के आधार पे कौन सा इंजन है, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, या तो पेट्रोल इंजन, ठीक है, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, और इसी को बोलते हैं पेट्रोल इंजन। इन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, जो चारों ये इवेंट हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जस्ट, आर कंप्लीटेड इन टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, ठीक है, पिस्टन एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, ठीक है, इन दो स्ट्रोक में पिस्टन के दो बार, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे गया, तो इन्हीं दो स्ट्रोक में ये सारे सीक्वेंस जो इवेंट हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूरा होते हैं, और उस ड्यूरेशन में जो हमारा क्या वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, जब पिस्टन हमारा दो बार, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे किया, तो उस केस में हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो बस एक बार घूमेगा, ठीक है। देयर इज नो वाल्व प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ इंजन, इस प्रकार के इंजन में, मतलब कहने का है कि टू स्ट्रोक इंजन में कोई भी वाल्व नहीं लगा रहता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, पोर्ट होता है, वाल्व की जगह पे पोर्ट होता है, ठीक है, जिससे गैसेस निकलती हैं, अभी आगे और देखते हैं समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, टू स्ट्रोक में, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है उसे हम और क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक, जिसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, सक्शन का और कंप्रेशन का, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक या तो फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन। When the piston move upward, ठीक है, इस स्ट्रोक में क्या है, पिस्टन का मूवमेंट देखिए, ये पिस्टन हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, पिस्टन मूव अपवर्ड, When the piston move upward, it covers two of the port, या दो पोर्ट को ढक लेता है, कौन कौन से, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये देखिए जो हमारा एग्जस्ट पोर्ट है, ये क्या है, एग्जस्ट पोर्ट है, ठीक है, और ये क्या है, इससे हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर जाता है, तो ये दो पोर्ट जो है ढक लिए जाते हैं, ठीक है, द एग्जस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है, कहने का मतलब ये एग्जस्ट पोर्ट है और ये ट्रांसफर पोर्ट, और दोनों ढक लिए गए हैं, ठीक है, विच आर नॉर्मली ऑलमोस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों लगभग एक दूसरे के असमान हैं, ठीक है, विपरीत हैं। फर्दर अपवर्ड मोमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेस्ड द चार्जेज एंड ऑल्सो अनकवर द सक्शन पोर्ट, जब ये हमारा पिस्टन और ऊपर जाता है तो क्या करता है,
जो ये हमारा अनकवर द सक्शन पोर्ट, जो ये वाला सक्शन पोर्ट है इसे क्या करता है, खुला छोड़ देता है, और जो इसमें चार्जेस है उसे क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है, ठीक है। नाउ फ्रेश मिक्सचर इज ड्रॉन थ्रू दिस पोर्ट, और जब ये हमारा अनकवर हुआ पोर्ट तो क्या हुआ, फ्रेश मिक्सचर इसमें अंदर आया, ठीक है ना। नाउ फ्रेश मिक्सचर ड्रॉन थ्रू दिस पोर्ट इनटू द क्रैंक केस, ठीक है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द मिक्सचर इन द सिलेंडर इज इग्निटेड बाई स्पार्क प्लग, ठीक है। इस स्ट्रोक के खत्म होते होते क्या है कि स्पार्क प्लग, ये हमारा स्पार्क प्लग है, ठीक है। ये क्या है, स्पार्क प्लग के माध्यम से क्या हो रहा है, ये एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो जलने लगता है। दस ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ सक्शन एंड कंप्रेशन इवेंट्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सक्शन भी हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें क्रैंक केस में एंट्री भी हो गई है, और ये जो हमारा कंप्रेशन भी हो गया है, ठीक है, मतलब ये दो जो दोनों इवेंट है ये इसमें कंप्लीट हुए। सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है, या तो डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, दो इवेंट होते हैं, कौन से, पावर के और एग्जस्ट के, ठीक है, ये दो इवेंट हैं हमारे इस स्ट्रोक में, जो सेकेंड स्ट्रोक है हमारा इसमें कंप्लीट होंगे। बर्निंग ऑफ द फ्यूल राइजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस, ठीक है, जो हमारा फ्यूल उसमें बर्न हो चुका है सिलेंडर में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा रहा है, विच फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउन द सिलेंडर, जिसकी वजह से पिस्टन हमारा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। When the piston moved down, it closed the suction port. जब piston नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये हमारा suction port है, इसे क्या किया, cover कर लिया, ढक दिया, close कर दिया, ठीक है। Trapping the fresh charges down into the crankcase during the previous upward stroke. क्यों ढक गया, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले स्ट्रोक में ही इसमें फ्रेश चार्ज एयर फ्यूल का मिक्सचर एंट्री हो चुका है, ठीक है। फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, फर्स्ट द स्टैक पोर्ट एंड देन द ट्रांसफर पोर्ट, जब ये लगातार नीचे आ रहा है तो सबसे पहले क्या करता है, ये देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जस्ट पोर्ट को ओपन करता है, ठीक है ना, और उसके बाद ट्रांसफर पोर्ट भी हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। जब ये और नीचे आया तो एग्जस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो गया, जिससे एग्जस्ट गैसें जो है बाहर निकल जाएंगी, फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैसेस रहती हैं सिलेंडर में वो बाहर निकल जाती है, और ये जो फ्रेश चार्ज है ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा हमारा सिलेंडर में आ गया, ठीक है। नाउ फ्रेश चार्ज इन द क्रैंक केस मूव इनटू द सिलेंडर, ठीक है, जब ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट खुला तो क्या हुआ, जो हमारा फ्रेश चार्ज था वो सिलेंडर तक आ गया, ठीक है। थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट ड्राइविंग आउट द बर्न्ड गैसेस थ्रू द एग्जस्ट पोर्ट, और जो हमारी जली हुई गैसेस थी वो बाहर निकल गई, ठीक है। स्पेशल सेव्ड, ठीक है, स्पेशल सेव्ड पिस्टन क्रॉन डिफ्लेक्ट द इनकमिंग मिक्सचर अप अराउंड द सिलेंडर सो दैट इट कैन हेल्प इन ड्राइंग आउट द एग्जस्ट गैसेस। ये देखिए, जो हमारा पिस्टन है, नॉर्मल पिस्टन कैसा होता है, नॉर्मल पिस्टन रहेगा तो ऐसा रहेगा, लेकिन ये हमारा पिस्टन देख रहे हैं इसका शेप, ये जो है स्पेशल शेप है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा है जो गैसेस है वो बाहर निकल जाती है, और जो हमारा फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर में रुकी रहती है, नहीं तो क्या हुआ कि हमारा फ्रेश चार्ज, ठीक है, ये ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा सिलेंडर में आया और ये एग्जस्ट पोर्ट से बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब पिस्टन ऐसा बनाया गया है कि एग्जस्ट गैसेस को बाहर निकालता है और फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में पहुंचाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन पावर एंड एग्जस्ट इवेंट आर कंप्लीटेड, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेकेंड स्ट्रोक में हमारा पावर का और एग्जस्ट का दोनों इवेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है।
जो हमारा मेन है वो है कंपैरिजन बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है और फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें डिफरेंट, ठीक है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आप पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक में कैसा होता है, वन पावर स्ट्रोक फॉर एवरी टू रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, वन पावर स्ट्रोक फॉर एवरी टू रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट अगर दो बार घूम रहा है तो उस केस में पावर स्ट्रोक एक जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में यही हमारा वन पावर स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, मतलब जब क्रैंकशाफ्ट एक बार घूमेगा तो एक पावर स्ट्रोक बनेगा, लेकिन इसमें क्रैंकशाफ्ट दो बार घूमेगा तब एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। ठीक है, सेकंड वन क्या है, पावर फॉर द सेम सिलेंडर वॉल्यूम। अगर फोर स्ट्रोक भी इंजन है और टू स्ट्रोक भी इंजन है तो दोनों जो है सेम साइज के हैं, सिलेंडर जिसका सेम है, तो पावर किस में ज़्यादा जनरेट होगा, टू स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, कितना, डेढ़ गुना ज़्यादा। ठीक है, कंपेयर टू फोर स्ट्रोक से। ठीक है, पावर इसमें स्मॉल होता है और इसमें लार्ज होता है, कितना बड़ा होता है, डेढ़ गुना। ठीक है, वाल मैकेनिज तीसरा है, वाल मैकेनिज। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में अभी हम देखें कि वाल मैकेनिज प्रेजेंट रहता है, जो हमारे इनलेट वाल्व और एग्जस्ट वाल्व हैं वो फोर स्ट्रोक इंजन में होते हैं ना, और देयर आर इनलेट एंड एग्जस्ट पोर्ट इन स्टेट ऑफ वाल्व। और यहाँ पे क्या क्या था टू स्ट्रोक में, अभी जस्ट हमने देखा कि इनलेट और एग्जस्ट पोर्ट, ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में होते हैं। नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्शन एंड कास्ट। तो फोर स्ट्रोक इंजन कैसा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और एक्सपेंसिव, कहने का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और ये महंगा भी रहेगा। ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन क्या है, सिंपल बनावट रहेगी उसकी। ठीक है, और वो ये जो टू स्ट्रोक इंजन है और ये सस्ता भी होंगे। फ्यूल कंजप्शन, फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कम लगता है, ठीक है, और इसमें टू स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा लगता है, कितना, 15%, किससे, फोर स्ट्रोक इंजन के कंपेयर में। ठीक है, अगर हम फोर स्ट्रोक इंजन से कंपेयर करें तो टू स्ट्रोक में 15% ईंधन ज़्यादा लगता है, कहने का मतलब कि ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एग्जस्ट गैसेस, तो गैसेस जो हैं वो फोर स्ट्रोक इंजन में ईजली हो जाती हैं रिमूव, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ही डिफ़िकल्टियाँ होती हैं टू स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी फोर स्ट्रोक इंजन की अच्छी होती है और उस टू स्ट्रोक इंजन की ख़राब होती है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फोर स्ट्रोक इंजन का हाई होता है और टू स्ट्रोक इंजन का लो होता है। आयल कंजप्शन, आयल फोर स्ट्रोक इंजन में कम यूज होता है, कम कंज्यूम होता है और टू स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होता है। सेल्फ वेट, जो हमारे फोर स्ट्रोक इंजन रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसका वेट कैसा रहेगा, वो बहुत भारी रहेंगे, ठीक है, और ये हल्के रहेंगे। टू स्ट्रोक इंजन जो है हमारा लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। नॉइज मतलब आवाज़, जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें हमारा सक्शन एंड एग्जस्ट इज नॉइजलेस, मतलब कि जो हमारा सक्शन इवेंट होगा और एग्जस्ट इवेंट होगा वो उसमें आवाज़ नहीं होगा, लेकिन दूसरे कार्यों में आवाज़ होगा। और टू स्ट्रोक इंजन जस्ट इसका अपोजिट है, सक्शन और एग्जस्ट जो इवेंट है इसमें आवाज़ होगा और अदर कार्यों में आवाज़ नहीं निकलेगा। ठीक है, स्पीड, फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ स्पीड आर पॉसिबल, ठीक है, हाई एंड लो, इसमें सभी प्रकार की स्पीड लिए जा सकते हैं, लेकिन जो टू स्ट्रोक इंजन है वो मोस्टली हाई स्पीड इंजन आर देयर, वो मोस्टली हाई इंजन के ही होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।